hello friends communication concepts and techniques welcome you all in today's session how to write an effective essay essay is a very known term to all of us we have written a number of essays and of course it's a compulsory part of our schooling uh, it is a part of our college also uh, college curriculum syllabus also and in most of the top uh, officer rank competitive exams we have uh, this essay as a component of evaluation. So of course essay writing is a very important art to learn for all of us and it can benefit us in various you know purposes for various purposes we can take the benefit of uh, effective essay writing so how do we write effective essay today we will discuss on this first of all let us talk about what is an essay an essay is a piece of writing where the author brings certain arguments certain information he discusses it and ultimately develops a piece of writing that from author's side could be a complete thought on one particular topic that is known as essay अब आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेज क्या होते हैं कितने तरह के एसेज होते हैं because essay important uh, it is very important to learn for all of us we generally think you know whatever the haphazard idea that come to our mind if we just put down on the piece of paper it becomes automatically assumes automatically as an essay but it is a it is a very technical kind of writing technical strategic writing essay writing it is not just you know writing down whatever comes to your mind so it, it of course requires a system of writing there has to be a system तो बात करते हैं इसमें तीन तरह के essays होते हैं पहला ऐसे होता है नैरेटिव नैरेटिव टाइप ऑफ ऐसे नैरेटिव टाइप ऑफ ऐसे में हम एक स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं जिसमें कि हम एक स्टोरी टेलर बन जाते हैं हम एक पूरा अपना उस स्टोरी या उस उस इंसिडेंट का पूरा अनुभव बताते हैं वी जस्ट कीप ऑन टेलिंग द एंटायर यू नो फीलिंग्स इमोशंस ऑफ वन पर्टिकुलर इंसिडेंट व्हाट हैपेंड एंड यू नो दैट दैट ऑल नरेशन गोज इन टू द कैटेगरी ऑफ नैरेटिव टाइप ऑफ एसेज लाइक फॉर एक्जाम्पल आई हैव गॉट वन टॉपिक ओनली ऑन विच आई जस्ट लेट यू नो कि तीनों तरह के टॉपिक्स में क्या अंतर होता है तो पहला जैसा टॉपिक है नैरेटिव में जिसमें स्टोरी फॉर्मेट में लिखा जाता है और जैसे जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि माई फर्स्ट डे एट कॉलेज माई फर्स्ट डे इन ऑफिस माई फर्स्ट डे इन स्कूल या यू नो माई यू नो समर वेकेशन एट माई होम टाउन तो ये सारे जो नैरेटिव फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं इनको नैरेटिव कहते हैं क्योंकि इसमें आप एक आप एक स्टोरी बोलते हैं एक पूरा एक स्टोरी की तरह लिखते हुए जाते हैं जहाँ आप एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने तरीके से उनको सिस्टमेटिकली लिखते चले जाते हैं उसमें कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं होती जब जो चीज़ आपको जहाँ जैसी लगती है आप उसको एक सिस्टमेटिकली लिखते चले जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ Uh, you know, essay. Second is expository. Expository means where you just come up with certain types of arguments, certain type of strong and authentic information because you give exposure to the topic you are taking up as a subject of essay. जैसे कि अभी हमको कहना हो कि वाई डू आई लाइक माई कॉलेज ऑफकोर्स यू नीड टू गिव सर्टेन स्ट्रॉन्ग रीजन्स फॉर इट यू हैव टू कम अप यू नो फाइव सिक्स स्ट्रॉन्ग रीजन्स की इस वजह से मुझे पता पसंद आता है कॉलेज हमारे कॉलेज में फैकल्टी मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं हमारे फैकल्टी मेबर्स की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है हमारे यहाँ करिकुलम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ क्लासेज बहुत अच्छी लगती हैं हमारे यहाँ कॉरपोरेट रिलेशन बहुत अच्छा है हम लोगों को uh, बहुत सारी टी आई पी करने का मौका मिलता है हमें बहुत सारे टाइप के कंपनी और कॉरपोरेट एक्सपोर्ट अप योर इन्फॉर्मेशन द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्टेड सो फार सो इट इज डिफिकल्ट टाइप ऑफ राइटिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज इट इज नॉट एज इजी एज द फर्स्ट वन बिकॉज यू बिकम अटर इन द फर्स्ट जस्ट कीप टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड एंड दैट बिकम्स अ नैरेटिव ऐसे सेकेंड एक्सपोजिटरी में आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड होकर के देनी पड़ती हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसलिए आप जब बहुत सारी मैगजीन्स आर्टिकल्स न्यूज़पेपर न्यूज टेलीकास्ट बुक्स ये सब पढ़ते हैं तभी तो आप उसके ऊपर कोई एक्सपोजिटरी ऐसे लिख सकते हैं थर्ड इज ए परजुएजिव एसे ऑफकोर्स दिस इज मोर इन ट्रेंड इन टू द बिजनेस वर्ल्ड ऑफकोर्स परजुएजिव ऐसे क्या होता है परसुएसिव माने क्या होता है जब हम किसी को किसी काम के लिए हम बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं और वो लॉजिक्स के लिए उसको हम किसी चीज को करने के लिए विफ वी ऑन्ट टू मेक समबडी टू जस्ट मेक समबडी टू रेडी ऑन फॉर डूइंग सम वन पर्टिकुलर टास्क वन पर्टिकुलर थिंग उस टाइम हम उसको परजुएजिव कहते हैं परजुएजिवनेस सो दैट यूटिलाइजेस लॉजिक एंड रीजन टू शो दैट वन आइडिया इज मोर लेजिटिमेट दैन अनदर आइडिया इट अटेम्प टू परसुएट समबडी इट परसुएट ऑफकोर्स इट प्रिपेयर समबड़ी टू जस्ट डू अ पर्टिकुलर टास्क इट इज अ काइंड ऑफ यू नो गिविंग सीरीज ऑफ लॉजिक्स So, that you are able to convince somebody, persuade somebody to do a particular task. And what you are telling as a logic for doing one particular, one person for doing one particular thing, that all goes into the category of persuasive thought or persuasive essay writing. लाइक इफ यू आर सपोज टू राइट ऑन द सेम टॉपिक बट यू नो इफ यू आर राइटिंग अ परजुएजिवे से ऑन इट सो इट विल बिकम माई कॉलेज इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट सो यू विल गिव यूर कंपरेटिव स्टडी ऑफ सो मैनी कॉलेज वॉट इज बेटर इन योर कॉलेज वाई यू आर वाई यू यू आर यू लविंग और लाइकिंग योर कॉलेज सो मच बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स दैट मेक यूर कॉलेज बेटर दैन अदर अवेलेबल इंस्टीट्यूशंस तो ये तीन कैटेगरी होती है हमें इन तीनों कैटेगरी को अच्छे से जानना पड़ेगा तभी हम उसको उस हिसाब से उसको लिखे, लिख पाएंगे या लिखने के लिए हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो नैरेटिव फॉर्म हुआ उसके बाद एक्सपोजिटरी फॉर्म हुआ उसके बाद थर्ड था परजुएजिव फॉर्म ये तीनों अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आप इसको प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने टॉपिक दिया है लाइक माई फर्स्ट डे एट कॉलेज वाई डू आई लाइक माई कॉलेज एंड माई कॉलेज द बेस्ट इंस्टीट्यूट कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट इस तीनों के ऊपर जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी चलिए आगे चलते हैं लेट अस सी सम मोर डिटेल्स ऑफ राइटिंग यू नो ऐसे सो हियर दी सिंपल स्टेप्स विल गाइड यू थ्रू द essay राइटिंग प्रोसेस एक essay राइटिंग की प्रोसेस क्या होती है उसमें हमें एक essay कैसे लिखते हैं हाउ वी स्टार्ट essay? हाउ वी हाउ वी कैन जस्ट गो फॉर एन इफेक्टिव ऐसे राइटिंग तो सबसे पहली बात जो इसमें होती है दैट इज डिसाइडिंग ऑन योर टॉपिक आपके दिमाग में एकदम टॉपिक क्लियर रहना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर्स आ चुके हैं जो टॉपिक्स ट्रेंड में हैं जो रिसेंट टॉपिक्स हैं या जो कोई आपके एरिया या सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक हैं ऐसे टॉपिक पर आपको कॉन्टेंट uh, या मटीरियल इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि आप उस पर एक अच्छा ऐसे लिख सकें

ऐसे थर्ड है राइटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट इज़ द मेन टॉक ऑफ द एंटायर टेक्स्ट मेन टॉक सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉक ऑफ योर एंटायर एस बिकम्स योर यू नो थीसिस स्टेटमेंट राइटिंग द बॉडी ऑफ द एसे एंड राइटिंग द मेन पॉइंट्स तो बॉडी में आपका क्या आता है बॉडी में आपके सारे मेन पॉइंट्स आते हैं एंड हर मेन पॉइंट्स का जो सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो सब पॉइंट्स कहलाते हैं एलाबोरेटिंग द सब पॉइंट्स ऑफ कोर्स अगर आप एक अगर मान लीजिए आपने फाइव मेन पॉइंट्स लिए हैं तो उस फाइव के फाइव फाइव सब पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स को आप अलग अलग इंफॉर्मेशन से उसको जो है सपोर्ट करेंगे सो सपोर्टिंग सब पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ फाइव सब पॉइंट्स विल अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू सपोर्टिंग टू द मेन आइडिया दैट इज़ योर मेन पॉइंट इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उसमें भी आपको स्ट्रॉग लॉजिक्स देनी है एग्जाम्पल्स देने हैं इंसिडेंट्स देने हैं इन्फॉर्मेशन देने हैं फिर राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ़ कोर्स इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में लिखना चाहिए जब हम ऐसे की प्रिपेरेशन कर रहे हैं जब फाइनल एग्जाम में तो हम इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन हमेशा सबसे लास्ट में लिखना चाहिए बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इट इज द हेड ऑफ योर एसे इट इज द बिगिनिंग एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन सो यू नो योर इंट्रोडक्शन हैज टू बी क्वाइट इफेक्टिव क्वाइट इंप्रेसिव क्वाइट एलियोरिंग एंड एवरी थिंग टू बी वेरी वेल रिटर्न ओवर देयर बिकॉज जस्ट आफ्टर जस्ट गोइंग थ्रू फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन द यू माइट कम टू नो दैट वॉट पर्टिकुलर कैटेगरी यू बिलोंग टू सो इसलिए हमको इंट्रोडक्शन पर बहुत मेहनत करनी चाहिए और उतनी ही मेहनत को कंक्लूजन पे भी करनी चाहिए बिकॉज वन यू आर कंक्लूडिंग इट ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी वेरी इम्फेटिक यू हैव टू क्लोज अ टॉक विद काइंड ऑफ दैट यू कैन प्रोड्यूस ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक और वन पर्टिकुलर आइडिया तो हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमें बहुत ही स्ट्रॉगली लिखना चाहिए बहुत ही, ही प्रिपेयर करना चाहिए एडिंग द फिनिशिंग टचेज ऑफकोर्स दैट यू नोट दैट कैन बी अ लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो फ्यू गुड सेंटेंसेज फ्यू गुड कोटेशन फ्यू गुड यू नो साइटेशट कैन बी गुड फिनिशिंग टचेस फॉर योर ऐसे ये जो आपको स्केलेटन दिखाया ये फॉर्मेट दिखाया है मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है एसे का फॉर्मेट समझने के लिए इसमें हम पहले देखते हैं एक रिवर्स रिवर्स पिरामिड बना है रिवर्स ट्राइंगल है इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे सो इंट्रोडक्शन इट इज अ रिवर्स पिरामिड बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट विद जेनेरिक एंड यू हैव टू कम अप टू द स्पेसिफिक वेयर यू आर सींग दिस ब्लू ब्लू डॉट एंड हियर यू हैव टू फिनिश द इंट्रोडक्शन विद अ काइंड ऑफ थीसिस स्टेटमेंट तो हमारा जो बिगनिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में वो जेनरिक टू स्पेसिफिक रहेगी और इस्पेसिफिक में भी हम उसको जो फिनिश करेंगे वो थीसिस स्टेटमेंट के साथ फिनिश करते हैं और ये हमारा जो है जो एक स्ट्रक्चर होता है इंट्रोडक्शन का मैंने हम बहुत सारी जनरल बातें लेते हुए फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर पहुँचते हैं और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है एंड थीसिस स्टेटमेंट शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर इंट्रोडक्शन वेन यू आर राइटिंग ऐसे उसके बाद हम फिर फाइव सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमसे उससे बॉडी फॉर्म करते हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर फोर एंड पॉइंट नंबर फाइव दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी वेयर वी टेक मेन पॉइंट्स एंड वी कीप ऑन एडिंग सब पॉइंट्स वी सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन टू द सब पॉइंट्स एंड ऑल दिस सब पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेन आइडिया एंड ऑल दिस मेन आइडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ इट एंड थीसिस स्टेटमेंट डायरेक्टली टू द टाइटल ऑफ द इस और इस, इसके साथ हमने देखा कि हमारा कंक्लूजन जो है राइट right पिरामिड है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंक्लूजन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट एंड इट शुड एंड अप विद अ जेनेरिक पॉइंट एक जो मेन बात हमने ऐसे में लिखी है उस मेन बात को उस थीसिस पॉइंट के साथ शुरू करते हुए हम उसको जेनरिक एप्लीकेशन लेकर के उसके अदर एरियाज में एप्लीकेशन के साथ हम उसका एंड अप करते हैं सो दिस फॉर्मेट हैज़ टू बी देयर दिस शुड गेट इन प्रिंटेड इन योर माइंड दैट वेन यू आर राइटिंग एसे दिस स्ट्रक्चर हैज़ टू बी देयर सो दैट यू कुड राइटली यू नो स्टार्ट एन ऐसे कम टू अ मिडिल ऑफ इट एंड यू कैन एम्फेटिकली क्लोज इट और राइट द कंक्लूजन ऑफ इट सो ऐसे का ये फॉर्मेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे में जो मेन फाइव पॉइंट्स होते हैं जो फाइव पॉइंटर एसेज होते हैं उसमें कैसे कैसे हम पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे सबसे पहला इंट्रोडक्शन है मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन आपका कैसे स्टार्ट होना चाहिए हुक स्टेटमेंट से व्हाट इज हुक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स हुक स्टेटमेंट हैज़ द पावर द स्टेटमेंट दैट हैज द पावर ऑफ इमीडिएटली ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर कोई ऐसी बात कोई ऐसा कोटेशन कोई ऐसी जानकारी कोई ऐसा क्वेश्चन

देन पैराग्राफ नंबर टू थ्री फोर में क्या आएगा इसमें हम सपोर्ट योर टॉपिक विद डिटेल्ड पैराग्राफ ऑफ कोर्स हमारा जो मेन टॉपिक है उसके जो फाइव आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके सब पॉइंट से हम उसको टू थ्री फोर लिखते हैं एंड लास्ट इज पैराग्राफ नंबर फाइव दैट इज अ कंक्लूजन ए स्टेटमेंट दैट री स्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट को हम उसको कंक्लूड करते हुए लिखते हैं अब इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे इसको जरा सा हम और इन डेप्थ इसके इसके बारे में डिस्कस करेंगे हुक योर रीडर एंड मेक देम वॉन्ट टू रीड मोर ऑफ कोर्स हुक से क्या होगा इमीडिएटली इज इंटरेस्टेड टू जस्ट आप लोगों को मैंने एक आपको मैंने वीडियो भेजी भीज, है पोस्ट किया है आप लोग देखिएगा आइडा फिलासफी सो हुक स्टेटमेंट इज क्लियरली यू नो इंडिकेटिंग टूवर्ड्स आइडा आइडा रिलेट्स टू ए फॉर अटेंशन ग्रैबिंग द अटेंशन सो हुक इज नो द ए ऑफ आइडा दैट इज दैट इमीडिएटली ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ द रीडर

you see reader is immediately you know got up got got caught up into the text into the write up what you are you have initiated with so that is known as hook statement अटेंशन ग्रैबर में क्या चार चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमारा हुक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जिससे हमारी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जिससे हमारा मतलब एक शुरुआत बहुत एम्फेटिक हो सकती है बहुत इफेक्टिव हो सकती है जो कि बाकी लोगों के ऐसे से हमारा ऐसे अलग बना सकता है तो ये फोर चीज़ें हैं जिनसे हम अगर शुरू करते हैं तो हमारी बातें बहुत अच्छी होती हैं बहुत हमारा स्टार्टिंग बहुत पोटेंशियल होता है बहुत पावरफुल होता है इट इज़ ए पावर स्टार्टिंग इवन यू नो यू कैन गिव सर्टेन स्टेटमेंट विच कुड सरप्राइज द रीडर आप कोई स्टेटिस्टिक्स दे सकते हैं कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कोई कोई आप एक ऐसा सर्वे की रिपोर्ट दे सकते हैं कोई एक आप ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट दे सकते हैं कोई आप सरप्राइजिंग डेटा कोई एस्टोनिशिंग डेटा दे सकते हैं जिससे कि रीडर को सरप्राइज हो सो दैट वर्क्स एज अ होक स्टेटमेंट सेकेंड इज आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ माइंड क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ योर विजडम तो अगर एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन के साथ आप अपनी बात शुरू करते हैं सो पीपल गेट पीपल गेट सीरियस अबाउट इट रीडर गेट सीरियसली इन्वॉल्व विद योर क्वेश्चन Questions always involve us. Questions always involve intellectuals. तो हमेशा हम, ऐसा क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर सकते हैं जिससे हम अपने जो हमारा रीडर है वो एंटेंगल हो सकता है उसके साथ देन यूजिंग अ कोटेशन ऑफ कोर्स यू नो वर्ल्ड इज फुल ऑफ कोटेश्स ग्रेट पर्सन हैव गिवन नंबर ऑफ कोटेश्स इन टू एवरी फील्ड वी कैन हैव वेरी स्पार्कलिंग कोटेशन वेरी वाइज कोटेशन यू नो एनी पीस ऑफ विजडम वी कैन टेक एंड पुट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द एस एज अ कोटेशन सो दैट कुड ऑल्सो बी अ वेरी स्ट्रॉग अटेंशन ग्रैबर एंड नेक्स्ट इज यूजिंग डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव मीन्स द words that illustrate that you know just draws a kind of situation in front of you that paints a picture in front of the reader so it immediately gets involved involvement of the reader in your essay so descriptive words means you know just illustrating some incident about and starting your essay as a first paragraph with a descriptive words and illustrations तो ये चार बातें आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अपने ऐसे के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसमें अटेंशन हो आए लोगों की और उसको रीडर पढ़े हो वैल्यूएट करे अच्छे से तो ये चार बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा चलिए आगे चलते हैं थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा यहाँ पे इट डिस्क्राइब्स योर टॉपिक व्हाट योर एसे विल बी अबाउट इट इज अबाउट योर टॉपिक इट डिस्क्राइब्स क्लियरली एक्सप्लिसिटली योर टॉपिक सेकंड इट इंट्रोड इंट्रोड्यूसेस अ

इट इज द वन टॉक दैट यू नो दट दैट दट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक इन टू दर टेक्स एस एट इज नोन एज थी स्टेटमेंट और थीस स्टेटमेंट ये तीनों बातें निश्चित रूप से आनी चाहिए एसरटेन दैट ऑल थ्री पॉइंट आर प्रॉपरली कवर्ड इन टू योर थीस स्टेटमेंट देन कंक्लूजन ऑफकोर्स यू नो क्लोजिंग हैज बी वेरी इंफेटिक you know closing how you have closed it you know that 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 stays longer in the mind of the reader how you have closed one particular thing how do you have closed a task how you have closed a work how you have closed your thought how you have closed your uh, how have you closed your discussion how you how you have given you know argumentation in the end so that all is conclusion and conclusion has to be very good very you know very emphatic सो लिविंग द रीडर थिंकिंग अबाउट योर टॉपिक इज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंक्लूजन एंड लिविंग एन इम्प्रेशन ऑन दैम ऑफ कोर्स यू नो इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर हाउ यू कंक्लूड अ टॉपिक दैन नो न्यू इन्फॉर्मेशन इन द कंक्लूजन ऑलवेज रिमेंबर हमें जो भी बात कहनी है हमेशा बॉडी में कहनी है और कंक्लूजन में कोई भी नया इशू कोई भी नया इन्फॉर्मेशन हम नहीं डालते हैं जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं केवल उसी बेसिस पर हम कंक्लूजन लिखते हैं बी श्योर टू रिकैप योर आइडियाज ऑफकोर्स रिकैपिचुलेशन मीन्स जो जो फाइव मेन टॉक्स हमने अपने ऐसे में लिखी हैं उनको हम थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं कि हमने थोड़ा सा आप रिमाइंड करा सकते हैं रीडर को कि उसका उसके उसके एक शेड्स दे सकते हैं कि हमने ये ये बातें इसमें की हैं बट डोंट यूज द सेम सेंटेंसेज चेंज द सेंटेंस एंड ब्रिंग आउन यू कैन ब्रिंग डाउन द शेड्स ऑफ योर थाट वॉट यू हैव डिस्कस्ड ऑल टुगेदर देयर

कंक्लूजन का लास्ट में क्लोज करते हुए बट यू शुड ऑलवेज चेंज द वर्ड्स यू नो राइट द सेम थिंग हैविंग अ न्यू सेंटेंस न्यू फ्रेम ऑफ सेंटेंस डोंट यूज द सेम सेंटेंस एज यू हैव यूज इन द क्लोजिंग ऑफ योर इंट्रोडक्शन वेअर थीसेज स्टेटमेंट यू हैड गिवन ऑफ द एस सो ऑलवेज यू नो राइट क्लोज इट विदीसेज स्टेटमेंट बट अगेन रिवाइज इट चेंज द वर्ड्स चेंज द सेंटेंस एंड राइट इट अ फ्रेश एंड it should have a new flavor of क्लोजिंग इट तो ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं इफ़ यू जस्ट यू नो पे अटेंशन टू दो थिंग्स वॉट आई हैव मैं ईयर इन द प्रजेंटेशन ऑफ कॉर्स योर एस एल गो बेटर एज कंपेयर टू योर काउंटर पार्टस तो उसी के साथ मैं आई यू होप दैट यू हैव लाइक द ऐसे एंड यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक एसेंस ऑफ द क्विंट एसेंस ऑफ यू नो इफेक्टिव ऐसे राइटिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड दिस वाज़ दिस वाज़ ब्रॉड टू यू बाय कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स एंड इफ यू हैव लाइकड द इन्फॉर्मेशन दैट वॉज प्रोवाइडेड ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी मच